हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड बेहतर तरीके से अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में अगेन हम बात करने जा रहे हैं आपके DSC पेपर पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया पर। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं थीम वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चंस को। एंड आज की जो थीम है, आज की जो यूनिट है, वो है यूनिट 3 पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिसी इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स। देखने, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इस यूनिट के अंदर से पूछे गए हैं, क्या एक बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का एंड सो ऑन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी एनालिसिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द स्टेट। It tries to explore the interactions of political and economic processes within a society. It tries to find answers to questions such as how policy makers acquire power, the implications that they have for policy making, how economic aspects influence policy making. And on the other hand, interest group are an association of individuals or an organization that are formally organized on the basis of one or more shared concern, and those who attempt to influence public policies and its favor. Interest groups are association of individuals or organizations with common interest or shared concern. And on the other hand, social movements. A social movement may be defined as an organized effort by a large number of people to bring about or impede social, political, economic or cultural change. So my dear students, इसी के साथ start करते हैं कि किस प्रकार के questions past year paper के अंदर पूछे गए हैं from the unit 3rd, which is political economy and policy, interest groups and social movements. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है एंड जो पॉलिसी है उसके बारे में पढ़ना है। बेसिकली आपको पढ़ना है कि इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं, सोशल मूवमेंट्स क्या होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो सोशल मूवमेंट से निकल कर आते हैं एंड जो इंटरेस्ट ग्रुप है वहाँ से निकल कर आते हैं। सो आइए डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट ईयर पेपर्स में। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, पब्लिक पॉलिसी इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द स्टेट, कमेंट। देखिए, जो पब्लिक पॉलिसी है वो एक तरीके से प्रतिबिंब है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द स्टेट का, ये आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द रोल ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो पॉलिसी फॉर्मुलेट होती हैं उसमें क्या अहम रोल होता है सोशल मूवमेंट्स का, ये बेसिकली आपको बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पॉलिटिकल इकोनॉमी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग। देखिए, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसके अंदर एक अहम रोल जो है वो निभाती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी मेकिंग में, ये बेसिकली आपको बताना है। यानी कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो किस प्रकार एक अहम रोल जो है अदा करती है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ये आपको एलेबोरेट तरीके से एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट है क्या, ये बेसिकली आपको बताना है। देन डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स ऑन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। आपको जो आपको बताना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोशल मूवमेंट्स का ऑन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। जो भारत के अंदर पॉलिसी मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन सोशल मूवमेंट्स का, वो भी आपको इसके अंदर बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन प्रोटेस्ट मेकिंग पॉलिसी। SL वेल्डन का यह कहना है, एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ सोशल मूवमेंट्स। देखिए, इसमें ये बात कही गई है कि जब प्रोटेस्ट पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, SL वेल्डन का ये कहना है, इस स्टेटमेंट को आपको सोशल मूवमेंट्स के साथ एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, ठीक है, सोशल मूवमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी इंटरफेस इन पॉलिसी मेकिंग। आपको एक एसे जो है वो लिखना है गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी को लेकर, इंटरफेस इन पॉलिसी मेकिंग।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशल मूवमेंट्स? सोशल मूवमेंट्स है क्या? हाउ डज इट इन्फ्लुएंस इन शेपिंग द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड द पॉलिसी ऑफ द स्टेट? ये किस प्रकार इन्फ्लुएंस करते हैं शेपिंग द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिसी ऑफ द स्टेट? ये बेसिकली क्वेश्चंस जो हैं पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? सो देखिए, अहम जो क्वेश्चंस हैं वो हैं रोल ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में क्या अहम रोल हैं सोशल मूवमेंट्स के, बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि सोशल मूवमेंट्स होते क्या हैं, तो देखिए सोशल मूवमेंट्स जो होते हैं उसमें एक काफ़ी लोगों का जो है वो ग्रुप जो है इसके अंदर शामिल होता है, ठीक है? काफ़ी लोग जो हैं वो खड़े हो जाते हैं एक मुद्दे को लेकर, उस मुद्दे को या फिर वो चेंज कराने के पक्ष में होते हैं, या फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर खड़े होते हैं जिसके ऊपर वो पॉलिसीज़ को बनवाना चाहते हैं, ठीक है? तो देखिए सोशल मूवमेंट जो है दो तरीके से होते हैं। एक तो तरीका है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, ठीक है, जो पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही है उसको चेंज कराने के लिए, जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा फॉर्म बिल जो आए थे, ठीक है, उसको किस प्रकार चेंज करा दिया गया, ठीक है, उसको बिल्कुल हटा दिया गया। एंड सेकंड आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग जो हैं खड़े होते हैं ऐसे मुद्दों को लेकर जिनको लगता है कि इस मुद्दे पर जो है पॉलिसीज़ को बनाया जाना चाहिए, ठीक है, न्यू पॉलिसीज़ जो हैं बनाई जानी चाहिए, जैसे कि लोकपाल के टाइम हुआ था, ठीक है, करप्शन से लड़ने के लिए लोकपाल का जो है वो गठन किया गया था। सो इस प्रकार सोशल मूवमेंट्स जो हैं वो होते हैं। सोशल मूवमेंट्स देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए भी हुए, ठीक है, राइट टू एजुकेशन के लिए भी हुए, ठीक है। तो ये सब जो हैं RTI, RTE, लोकपाल, ये क्या है, ये सब सोशल मूवमेंट्स की ही देन है, ठीक है। लोकपाल जो है वो सोशल मूवमेंट्स का ही देन है, ठीक है। तो देखिए ये होता है सोशल मूवमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इन सभी क्वेश्चंस को आंसर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं पता आपके अपकमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में इन्हीं में से क्वेश्चंस को उठाकर रख दिया जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई जस्ट होप कि आप इन सभी क्वेश्चंस को आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। एंड हर एक क्वेश्चन में आप इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड स्ट्रक्चर पार्ट एंड इन द लास्ट कंक्लूजन एंड डिस्कशन पार्ट 100% मेंशन करेंगे। सो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस करेंगे।